हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बीएसएनएल कुछ हिडन रिचार्ज के बारे में। अगर आप उस तरह का रिचार्ज करते हैं तो उस टाइम में आपके साथ काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज एक्सपोज करने वाले हैं बीएसएनएल का कुछ हिडन मोबाइल प्लान के बारे में, जो रिचार्ज करने से आपके साथ थोड़ा सा धोखा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एंड तक देखिए। अगर आप BSNL कनेक्शन यूज़ करते हैं और BSNL रिचार्ज आप रेगुलर करते रहते हैं, एम वॉलेट जितना भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है या जितना भी रिचार्ज प्लेटफॉर्म है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस तरह का एप्लीकेशन से अगर आप रिचार्ज करते हैं तो उस टाइम में कभी भी आपके साथ हो सकता है ये छोटा सा धोखा। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ कुछ इस तरह का ही हुआ है, तो फुल डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का वीडियो एंड तक देखिए। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को, जिस तरह का टेक वीडियो, क्रिएटर बेसिस वीडियो, साथ साथ क्रिप्टो बेसिस वीडियो में डेली आप लोग लगातार लाते रहता हूँ इस चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में हम लोग दुकान में नहीं जाते हैं रिचार्ज करने के लिए। लोगों का फोन के अंदर UPI एप्लीकेशन है। UPI एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल प्लान जो मेरा कंफर्टेबल रहता है उसी प्लान को हम लोग रिचार्ज कर लेते हैं। बट उसी रिचार्ज के समय आपके साथ हो सकता है थोड़ा सा धोखा। जैसा मेरे साथ हुआ है, 197 का मैं एक प्लान रिचार्ज किया जहाँ पे बताया जा रहा है कि 70 डेज का वैलिडिटी, 2GB डेटा पर डे। बट मैं इस चीज़ को देख के मैं ये प्लान रिचार्ज किया था। जब इस प्लान के बारे में पूरा पता चला, काफ़ी नुकसान भी मेरा हो गया है। तो किस तरह का नुकसान हुआ है और आखिर आपको किस तरह से रिचार्ज करना चाहिए? क्या किसी एम वॉलेट से रिचार्ज नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कहाँ से करना चाहिए? तो पूरा जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फ्रेंड्स, अभी के टाइम में मैं एम वॉलेट के जरिए, UPI एप्लीकेशन के जरिए अलग अलग रिचार्ज प्लान आपके सामने शो कर रहा हूँ, जहाँ पे सारा BSNL का रिचार्ज प्लान है। तो फ्रेंड्स, ये सारा प्लान आप रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप 197 वाला प्लान देखिएगा तो यहाँ पे 70 डेज का आपको वैलिडिटी दिखेगा, अनलिमिटेड कॉल दिखेगा, साथ ही साथ आपको 2GB डेटा डे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जब ये मैं रिचार्ज किया, रिचार्ज करने के बाद मैं BSNL का जो सेल्फ केयर एप्लीकेशन है, अगर आप वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते हैं तो आज से ये वीडियो देखने के बाद यूज़ करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो कभी भी आपके साथ इस तरह का ये छोटा सा गलती हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब मैं BSNL सेल्फ केयर एप्लीकेशन के अंदर 197 वाला प्लान देखा और प्लान का फुल डिटेल्स देखा, उसके बाद ही हमको पता चला कि मेरे साथ भी थोड़ा सा हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 70 डेज का वैलिडिटी तो है, अनलिमिटेड कॉल तो है, 2GB डेटा पर डे तो है, बट यहाँ पे आपको 15 दिन 2GB डेटा मिलेगा। अभी से आप BSNL का जो सेल्फ केयर एप्लीकेशन है इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर BSNL का जो प्लान आप रिचार्ज करना चाहते हैं या जो प्लान आप फाइंड करना चाहते हैं, वो प्लान का डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाता है। एग्जैक्ट उस प्लान का क्या वैलिडिटी है, क्या इंटरनेट आपको मिलेगा, कॉलर टोन मिलेगा कि नहीं, किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिलेगा कि नहीं, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे डिटेल्स दिखाया जाता है। बट किसी UPI एप्लीकेशन या किसी एम वॉलेट एप्लीकेशन के अंदर इस तरह से दिखाया नहीं जाता। फ्रेंड्स, मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ। 197 वाला प्लान में रिचार्ज किया जहाँ पे हमको 15 दिन 2GB डेटा मिलेगा, उसके बाद डेटा नहीं मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अनलिमिटेड कॉल। बट कुछ इसी तरह का हिडन प्लान के वजह से काफ़ी लोगों के साथ इस तरह का गलती होता है। तो फ्रेंड्स, मैं सोचा कि मेरा व्यूअर के साथ इस तरह का गलती ना हो, इसीलिए मेरा आज का वीडियो है। अगर आप BSNL यूज़र हैं तो BSNL सेल्फ केयर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जल्द से जल्द आपका मोबाइल नंबर OTP वेरीफाई करके लॉग इन कर लीजिए BSNL सेल्फ केयर एप्लीकेशन के अंदर। BSNL सेल्फ केयर एप्लीकेशन रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो मैं बनाया हूँ, उस वीडियो के अंदर काफ़ी सारा रिस्पॉन्स है BSNL रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर सेल्फ केयर एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय या लॉग इन करते समय कोई भी समस्या हो रहा है तो उस टाइम में आप कस्टमर केयर में संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ कोई भी अगर आपको समस्या होता है तो आप कमेंट करिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द जाइए गूगल प्ले स्टोर के अंदर, वहां पे BSNL सेल्फ केयर एप्लीकेशन सर्च करके BSNL सेल्फ केयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आपका जो प्लान है, जो प्लान आप चाहते हैं एग्जैक्ट, और प्लान के अंदर क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, वो सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं और वहीं से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये टेक वीडियो कैसा लगा है कमेंट करिए, साझा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। मिलते हैं किसी नया टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम नॉट ट्रेडिंग वीडियो।